हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हमने वीडियो की है, न्यूज़ है, बड़ी अच्छी धड़कती भड़कती खुशी से भरी हुई न्यूज़ थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना, इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में होगी। अब ये कहा जाता है ये मुझे नहीं पता, हो सकता है उसी चैनल में, हो सकता है किसी और दूसरे चैनल में हो, पर न्यूज़ ये थी कि भाई ट्विटर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है ये खुशखबरी बताओ जल्दी। गिलगित बल्टिस्तान जो है, इट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ट्वीट अलाउड नहीं है क्योंकि तुम बैठे हुए हो इंडिया। बिल्कुल। और जब आगे लोगों ने ये ट्विटर खोला और अभी ट्वीट कर रहे हैं तो वो लिखा रहा है, लोकेशन दिखा रहा है फ्रॉम जम्मू कश्मीर। और अगर वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कोई ट्विटर अकाउंट में जाके कुछ देखना चाहते हैं वो कहते हैं दिस इज बैंड इन इंडिया। उनको रिलाइज हो रहा ओके, हम इंडिया में आ गए, खुशियां मनाओ। तब से इतना न्यूज में आ रहा था कि तुम्हें पार्ट ऑफ इंडिया बनना है। और सबसे ज्यादा मजेदार बात, उससे भी मजेदार है कि सारे पाकिस्तान में सब लोग अपना ट्विटर अकाउंट खोल खोल के देख रहे हैं कि हमारी लोकेशन क्या दिखा रहा है, कि हम भी कहीं इंडिया में तो नहीं चलेगा। ये सबसे मजेदार था। तो अब देखते हैं ये पाकिस्तानी रिएक्शन, अब बेचारे क्या करेंगे। अब ये इसमें भी खुश होके बोलेंगे कि अंदर से सड़ रहे होंगे, क्योंकि देखो भैया इनकी इसमें खुशी इनको किस बात की मिलनी चाहिए, बताओ मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल दुखी होंगे ना, पर देखते हैं कि अब इनका रिएक्शन क्या होता है, अब आएगा मजा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है जी, अभी जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुआ है वो बड़ा हैरानकुन भी है और पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक भी है। ये बिल्कुल गैर मामूली है, बल्कि मैं कहूंगा ये एक इनकलाबी एक हरकत है। हुआ क्या है कि गिलगित बल्तिस्तान में ट्विटर ने बाजार गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट तक रसाई बंद कर दी और खित्ते की लोकेशन तब्दील करके इसे भारत का हिस्सा दिखाया। ट्विटर ने कोई गलती से ये नहीं किया, ये बाकायदा ऐसा लग रहा है कि डेलिबरेटली किया गया है। और अगर ट्विटर की बात करें उन्हें भी वो पहले नजर आते हैं, अगर आपने इंडिया में हमारे साथ चलना है तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जो हमारा लॉ है उसके अंडरस्टैंडिंग में आपको अपनी पॉलिसीज बनाना है। और एट दी एंड ट्विटर का जो सीईओ है वो ये कहता नजर आता है हमें उसके अंदर उसके अंदर रह के काम करने की जरूरत है। विदाउट जिसे कहते हैं ना कि फायर अ बुलेट, ये इसको कहते हैं पॉलिसी, इसको कहते हैं स्ट्रेटजी, इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस, इसको कहते हैं पावर कि भाई इसको चेंज कर लो। हंस क्यों नहीं रहे, स्माइल होना चाहिए ना। अगर ये आईडिया इनका सक्सेसफुल हो जाता है, एक ट्रेन कनेक्ट करती है या कोई और चीज इन्हें कनेक्ट करती है, कोई आप रोड्स कनेक्ट करते हैं, तो जो हमारे पास है उसको संभाल रहे हैं पहले? नहीं, वो कहां संभाल रहे हैं सर, पहले हमें अपने संभालने की जरूरत है। ऊपर ये आ गया कि अब हमने पूरी कौम का कांटा चेंज करना है और पूरी कौम को जो है वो गलत पटरी से बचा के इस पटरी पे लाना है। एक पटरी वो है जो पाकिस्तान जिसपे लिखा है और वो आगे बिल्कुल खाई है, दूसरा ट्रैक जो है वो इंडिया की तरफ जा रहा है जहाँ प्रोस्पेरिटी है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय दुनिया के अंदर भारत की माइट या असर व रसूख बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और इसका एक ताजा उदाहरण जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया को लगा है तगड़ा झटका, क्योंकि एलन मस्क की ट्विटर ने पाकिस्तान के अंदर जो कंट्रोल्ड एरिया है कश्मीर का, जिसे कि गिलगित बल्तिस्तान भी बोलते हैं, जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पूरे एरिया के अंदर एलन मस्क की ट्विटर ने पाकिस्तान सरकार की ट्विटर अकाउंट के एक्सेस को बंद कर दिया है और इस पूरे एरिया को इंडिया का पार्ट दिखाया है। और ये वही एरिया है जिसे कश्मीर का नॉर्दर्न रीजन भी कहा जाता था, जो कि 1947 में आजादी के फौरन बाद हमले कर अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसके बाद जिसे आज तक हम इंडिया में पीओके बोलते हैं, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जैसा कि ये कश्मीर का पार्ट है तो यह एरिया न सिर्फ नेचुरली खूबसूरत है बल्कि काफी इम्पोर्टेंट रीजन भी है। और आपको ये भी बताता चलूं कि इसी एरिया से पाकिस्तान और चाइना का सीपेक गुजरता है, यही वजह है कि इंडिया सीपेक को मान्यता नहीं देता। तो बोल रहा था ना कि मैं तुम पाकिस्तान को इनवाइट करता हूं सीपेक के लिए, मोदी जी निकाल ले हमारे एरिया के लिए करेगा ये ले। ये मोदी जी ने जवाब दिया उसका, समझ आप, मोदी को बोलना चाहिए इंडिया ऑलरेडी है हमारे पास में। खबर है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है जी, अभी जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुआ है वो बड़ा हैरानकुन भी है और पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक। खुशी का है, खुशी। हुआ क्या है कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट बंद है, सारिफिन की जो लोकेशन है, यानी जो यूजर्स की लोकेशन है वो
इंडिया या भारत दी गई है। ट्विटर ने बाजार गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट तक रसाई बंद कर दी और खित्ते की लोकेशन तब्दील करके इसे भारत का हिस्सा दिखाया। ठीक है, अब लोग समझ रहे हैं कि शायद ये ट्विटर ने गलती से कर दिया, ऐसा नहीं है। ट्विटर ने कोई गलती से ये नहीं किया, ये बाकायदा खबर आ रही है कि इंडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है, फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो या फिर इस तरह की और सोशल मीडिया जो साइट्स हैं उसके ऊपर। दूसरी है कि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उनको बहुत बड़ा बिजनेस वहां से जनरेट होता है। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक यूजर्स हैं उनकी जानिब से एप्लीकेशन पर लोकेशन फीचर को ऑन करने के बाद गिलगित बल्तिस्तान से किए गए ट्वीट्स को कश्मीर का हिस्सा जा रहा है। जब गिलगित बल्तिस्तान में मुतअद्दिद जो ट्विटर यूजर्स हैं उन्होंने शिकायत की कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां तक उनको एक्सेस नहीं हो पा रही। अच्छा, जो यूजर्स उन्होंने अकाउंट तक रसाई हासिल करने की कोशिश की, पैगाम आया जिसमें कहा गया कि कानूनी मुतालबे के जवाब में भारत में ये अकाउंट बंद किया गया है। गिलगित इलाके के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि जब वो अपनी ट्वीट्स में लोकेशन शामिल करने की कोशिश कर रहे थे तो कि ट्विटर इन्हें गिलगित बाल्तिस्तान कश्मीर का रिहायशी या मकबूजा कश्मीर का रिहायशी बता रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हुकाम को इस मामले को संजीदा लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ये भारत की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान की जियो टैगिंग को तब्दील करने के लिए ट्विटर पर असर रसूख। एक और यूजर्स हैं मजीद लिखते हैं कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं मुख्तलिफ अकाउंट से ट्वीट्स क्यों नहीं देख सकता। वो लोग ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारी लोकेशन तब्दील की गई है, हम पाकिस्तान का हिस्सा होने की बजाय ट्विटर के ऊपर एज ए जियो टैगिंग अगर आप देखें तो वो हम हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाए जा रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि हमें किसी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना हमने इसके लिए लड़ना है और ना हमने ये कोई जबरदस्ती लेना है। वो मोदी साहब अमेरिका में थे, उन्होंने कहा भाई हमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया आपके ऊपर, मेरे पाकिस्तान के ऊपर, अब मजीद जाया नहीं करना अपने अपने वक्त को, हमने यूटिलाइज करके हमने मजीद तरक्की करनी। हमें तो यहाँ की कोई ट्वीट्स नहीं है, हमारे पास जो ट्रेंड्स और सारी चीजें चल रही वो इंडिया की चल रही। दिस इज कॉल्ड अ सक्सेस विदाउट, जिसे कहते हैं ना कि फायर अ बुलेट, ये इसको कहते हैं पॉलिसी, इसको कहते हैं स्ट्रेटजी। हमारे यहाँ वाले क्या कहते हैं, ओ जी हम तो ये कर देंगे तो हम तो वो कर देंगे। हम ये समझते हैं कि हमने सीपैक वहां से गुजार लिया, हमारे पास वो हाथ में। आजकल किसी जगह को होल्ड रखना जो है ना, ऐसा नहीं है कि आप लेकर बैठे हो, आपने बंदूक उठाई हुई, आपकी मान रहे नहीं मान रहे, आपके पास ये स्मार्ट थिंकिंग होनी चाहिए जो ये वाली हुई है। किसके लिए तो ना आपको बंदूक उठाने की जरूरत है, ना जहाज उड़ाने की जरूरत है। आपने बैठकर सुकून से एक चीज कर ली कि भाई इसको चेंज कर लो, देखते हैं क्या होता। मिस्टर साहब, आपका एआरआई का एक आर्टिकल है जो आपके गिलगित बल्तिस्तान और पीओजेके में जो पॉलिटिकल क्राइसिस जो गहराता जा रहा है उसके हवाले से आपने लिखा है, क्या अभी मौजूदा हालात है, थोड़ा सा आप अगर डिटेल में बता पाए तो। देखिये, सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो भी सरकार बनती है वही सरकार दोनों ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में बनवाई जाती है। ये कहने को तो गिलगित बल्तिस्तान में लेजिस्लेटिव असेंबली है, कहने को तो पीओजेके में प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है, लेकिन ये कागजी हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। तो यही सबसे बड़ी पीओजेके में इस वक्त जो रुकावट है वो यही है कि नेचुरल रिसोर्सेज, योर रेवेन्यूज, लेकिन इसको चूंकि पाकिस्तान ने इतना वो उनको पता है कि ये भी है कि उसमें है कि वो डरते हो कि यार उठा के ना दे जाए, यू नो हमारे लोग तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना कि जरा सा पॉलिटिकली एक्टिव हो उठा के ले जाते हैं। तो ये एक जनरल जो फियर का एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट हुआ है वहां पे। लेकिन साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को जो प्राइम मिनिस्टर है भारत के, कि जी आइए सीपैक में हिस्सा लीजिए और इस बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा लीजिए। देखिए, पूछने वाली बात तो ये है कि सीपैक हमारे मामू की है जो हम बेच रहे हैं बाहर लोगों को, कह रहे हैं आ जाए भी हम, वो कहते हैं एक शेर होता है उसमें, एक शेर तो नहीं कहावत है, कहते बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, शादी किसी की है दीवाने हम हैं, क्योंकि पैसा आता है वहां से। यार देखना था कि एक्चुअली में ये जो ट्विटर का हुआ है उसमें क्या रिएक्शन है। सिर्फ एक बंदे के अलावा बाकी तो दूसरी बातें ही कर रहे थे, और वो बंदा जो था
वो बड़ा परेशान था, आज कोई स्माइल नहीं थी, आज कोई हंसी नहीं थी, और वो ये कह रहे हैं कि भैया ये सोची समझी की गई है, ये गलती से नहीं हुआ है। वो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि भाई ये देखना पड़ेगा। नहीं, मैं कह तो रही हूँ कि भैया ये शहबाज शरीफ बड़ा बोल रहा था ना कि मैं ऑफर कर रहा हूँ इंडिया को, जैसे बड़ा अच्छा ऑफर कर रहा हूँ कि सी पैक में हमारे साथ हो जाओ। मैंने कहा, मोदी जी ने कहा, बेटा तेरे को भी मैं बताता हूँ, सी पैक का तू ऑफर दे रहा है, ये ले, तेरा सी पैक भी गया। देखिए मजा तब आएगा कि पता लगे, हमारा भी होके मैं बोल रहा है, मजा तब आएगा जब ट्विटर बोलेगा ये परमानेंट है, परमानेंट चेंज है, ये ट्रुथ है, ये जो सच्चाई है उसको दिखाया जा रहा है, तुम अपने आप को चेंज करो, मगर हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सच्चाई हम दिखा रहे हैं। है ही सच्चाई भाई, हर इंडियन को बोलना चाहिए हमारे पास है, हमारे पास नहीं। तो ट्विटर का रिस्पॉन्स देखना है कि कुछ दिनों में ट्विटर का क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या वो इसको बोलते हैं कि हम चेंज करते हैं, या कहते हैं नहीं भैया ये असलियत है और ऐसे ही रहेगी। जो ट्विटर का इंसान वह रहता है उसको जीना पड़ेगा कि वो इवेंचुअली पार्टी है, आदत डाल लो, जिसको भी वहां पे तकलीफ हो रही है अभी से आदत डाल लो, क्योंकि तुम इंडिया के पार्ट हो और प्रॉब्लम हो रही है तो अभी वहां से भाग के पाकिस्तान वाले इलाकों में चले जाओ। अभी तक उनके गवर्नमेंट ने कंप्लेंट जो भी है वो सब तो कर दिया होगा, अब देखना ये है कि अभी तक बैठे लोग एक एक दो दो महीने तक कहेंगे भैया वही है तो परमानेंट हो गया बस, और जिसको तकलीफ हो रही है अभी भाग जाओ पाकिस्तान में, वो देखिए और चीजें जो है फेसबुक इंस्टाग्राम सभी लोग अभी चेंज होने वाले हैं हमारे इंडिया के साथ, जिसको बिजनेस करना है, अच्छे रिलेशनशिप्स करने हैं, उन्हें मैप में ये करना पड़ेगा। चलो आप भी कमेंट सेक्शन में शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।